पता चल गया डैड को शायद। हाँ तो सुन लो ना फोन, अच्छा है रेस छोड़ने का बहाना मिल जाएगा तुम्हें। तुम्हारे जीतने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा, कोई चांस नहीं है तुम्हारे जीतने का। मुझे तो लगता है बोरा आज जरूर रेस जीतेगा। मुझे नहीं लगता, आमिर को जानते नहीं शायद तुम, वो कभी भी कोई रेस नहीं हारा। सही कह रहे हैं, रेस आमिर ही जीतेगा। बाइकर्स रूल्स तुम जानते हो, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ये स्कार्फ जमीन पे गिरे रेस शुरू होनी चाहिए। फोन उठाओ। आमिर आखिर चाहता क्या है समझ नहीं आता। हिकमत साहब, आपकी तबीयत मजीद खराब हो सकती है, आप आमिर की टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता उसका बनेगा क्या। अगर उसकी यही हरकतें रहीं तो फिक्र करते करते मेरी जान जरूर चली जाएगी। आगे जाने ही नहीं दे रहा, आमिर से आगे बोरा है। तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं कितनी परेशान हो गई थी। मॉम आप बहुत ही जल्द घबरा जाती हैं। कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे, बस हाथ में एक छोटा सा झटका है। आमिर तुमने वादा किया था रेस नहीं करोगे। तो मैंने वादा पूरा तो किया, कार की रेस मना थी, बाइक की रेस नहीं। ये सारे जोक्स बाबा के सामने सुनाएगा आप भाई, आपको फिर मानेंगे। ओह तुम जानती हो मुझे रिस्क लेना किस हद तक पसंद है, मगर ये रिस्क नहीं। बेटा तुम अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचते, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। देखें मॉम फिक्र की कोई बात नहीं, रेस करते हुए हेलमेट पहनता हूँ ताकि मुझे कोई चोट ना लगे। जानती है मेरे पहले भी 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन चोट मुझे पहली बार लगी है। ओ पहली बार, बस खुदा का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। फिक्र की कोई बात नहीं, मैं लिखा बताया ना कार रेसिंग छोड़ चुका हूँ, रही बाइक की बात वो भी जल्द छोड़ दूंगा, बस कुछ ही अरसे की तो बात है। हरगिज नहीं, तुम ऐसा अब नहीं करोगे, सुन लो मेरी बात। न मोटरसाइकिल रेस, न कार रेस, न साइकिल रेस, कोई रेस नहीं करोगे तुम, समझ गए मेरी बात? ठीक है, घोड़ों की रेस करोगे।
तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? यहाँ मेरी जान पर बनी हुई थी और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ठीक है ना, मैं तो भाई से मजाक कर रही हूँ। बाबा जो फैसला करेंगे भाई वही करेंगे। हरगिज नहीं, डैड को इन सब बातों से दूर ही रहने दे, समझ रही है ना? प्लीज। आमिर घर जी आ गए हैं। सुने मैं, अपना काम करो तुम। पता नहीं खुद को समझती क्या है, मेरी बात तक नहीं सुनी और चली गई। एक बात समझ नहीं आई, इतने कम वक्त में आपको इस खबर के बारे में कैसे पता चला? आमिर, आमिर तुम ठीक तो हो ना? अब पता चला ये खबर किसने फैलाई है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? कलाई में झटका आया है थोड़ा सा। परेशान मत हो तुम, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम अपने साथ ऐसा कैसे कर सकते हो आमिर? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, रास्ता ही पथरीला था और मेरा बैलेंस बिगड़ गया। गलती पत्थरों की है, मेरी नहीं। वैसे बहुत अच्छा मजाक है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। प्लीज रिलैक्स हो जाओ, कहा ना मैं ठीक हूँ। वैसे काम बहुत आला किया है तुमने। जैसे बचपन में मैं फुटबॉल खेलते हुए गिर जाया करता था तो तुम फौरन मेरे पेरेंट्स को बताने के लिए भागती थी। इतने साल में दुनिया बदल गई मगर तुम नहीं बदली। क्या हाल है जेमरे, कैसी हो तुम? ये ऐसे बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सच बताऊं तो इस वक्त बहुत दुख में हूं, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से मैं रेस नहीं जीत सका। आमिर साहब, आपके डैड आपको स्टडी रूम में बुला रहे हैं। क्या डैड घर पर ही थे? नहीं, वो अभी आए हैं और आते ही स्टडी रूम में चले गए। आमिर। मॉम। आपने मुझे बुलाया डैड? तुम्हें आज ऑफिस में होना चाहिए था लेकिन तुम वहां नहीं पहुंचे। मुझे लगता है हमारी इस मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था तुम्हारे पास। कहां थे तुम? जाहिर है आपने बात करने के लिए बुलाया तो आपको पता ही होगा कि उस वक्त कहां था मैं। तुम्हारी इन फजूलियात पर जितना खर्च होता है वो सारा खर्च मैं उठाता हूं, शायद तुम भूल रहे हो। कभी कभी मुझे आमिर पे बहुत गुस्सा आता है। एक तो एक्सीडेंट हुआ और ऊपर से मजाक उड़ा रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो उसके साथ। मेरी तो समझ से बाहर है। पता है फांसी के एक मुजरिम से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उसने क्या कहा? जो सबक सीखा वो आगे काम आएगा। सोना, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? अब कोई फजूल बात मत करना। मॉम, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे और कुछ नहीं सुनना, समझी तुम? हाँ। मिले के खातून, सोना को इसके कमरे तक ले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही स्ट्रेसफुल था इसके लिए। इसको आराम की जरूरत है। जी ठीक है मैडम। आंटी, लगता है हिकमत अंकल उसे एक लंबा लेक्चर देंगे। हाँ हो सकता है, तुम तो अंकल को अच्छी तरह जानती हो। पता नहीं वो क्या बात कर रहे होंगे। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी सारी बातें फजूल लगती हैं। ऐसी बात हरगिज नहीं है। अगर आप मेरी मर्जी से मुझे कुछ करने दे तो यकीनन आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। मैं चाहे तुमसे कुछ भी कहूँ नहीं समझोगे तुम? मेरा बिजनेस में साथ देने की बजाय तुम्हें कार्स और बाइक्स की रेसिंग करनी है। डैड आपका साथ बिल्कुल दे रहा हूँ मैं, मगर आप चाहते हैं कि मैं क्लर्क बन जाऊँ, फुल टाइम डेस्क पर बैठकर फाइलें देखता रहूँ बस। क्या कहने, काम तो कुछ करते नहीं और खर्चे पूरे चाहिए तुम्हें। आमिर, आज के बाद किसी किस्म की रेसिंग में हिस्सा नहीं लोगे तुम। आज से ये सब बंद, सुन लो, समझ गए मेरी बात? मैं पूछ रहा हूं समझ आया या नहीं? समझ गया डैड, समझ गया। लेकिन क्या मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है या हर काम आपकी मर्जी से ही करता रहूंगा मैं? पर्सनल लाइफ शायद तुम नहीं जानते, बगैर मकसद और इरादे के कोई लाइफ ही नहीं होती। कोई ढंग का काम करो अगर कामयाब होना है।
आमिर ने जो कुछ भी किया है मैं हरगिज उसका साथ नहीं दे रही, लेकिन आंटी मेरे हिसाब से हिकमत अंकल उस पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल रहे हैं। आमिर आमिर रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी अभी है। नहीं। मैं जरा हिकमत को देखकर आती हूँ। मुझे पर्सनल लाइफ समझा रहा है। क्या हो गया है? इतना सब कहने की क्या जरूरत थी? मैंने जो कुछ भी कहा उसकी भलाई के लिए कहा है। सही, पर ये वक्त नहीं था इन बातों का। मैं उससे बात करके वादा लूंगी कि आइंदा ये सब ना करे। वादे तो वो हमेशा ही करता है। क्या हो गया है आपको हिम्मत? मानती हूँ समझदार नहीं है, मगर वक्त के साथ संभल जाएगा। उसे जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए एक ही रास्ता है, उसकी शादी कर दी जाए। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा हल नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो हिकमत? यही फैसला करना होगा हमें। उसकी हरकतों से लगता है वो कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। शादी हो जाएगी तो जिम्मेदार हो जाएगा। जेमरे। क्या कहा? जेमरे? दरअसल जेमरे है बाहर। वो बाहर अकेली बैठी है, मैं जाके जरा उसको देख लूं। मेरी जान आप परेशान ना हो, इस बारे में बाद में बात करते हैं। हेलो। हाँ लतीफ, अर्जरूम के लिए पहली फ्लाइट से मेरा टिकट बुक करवा दीजिए। सिर्फ एक ही। नो, ये बिजनेस ट्रिप नहीं है, जाती मामला है कुछ। हाँ सब खैरियत है। प्यारे हो तुम, डरो नहीं, कोई तकलीफ नहीं दूंगी तुम्हें मैं। क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, डरो मत। कोई चोट लगी है तुम्हें क्या? दर्द हो रहा है तुम्हें? डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें चोट कहाँ लगी है? तुम ठीक हो जाओगे।
डरते नहीं है। तुम तो बहुत डरे हुए हो, किसी ने पर भी काट दिए है ना। जैसे मेरी मां नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है। पता है मेरे परों को भी काट दिया गया है। मैंने भी अपनी अम्मी खो दी। चला गया ये कपड़ा, मैं भी ना चीजें रख के भूल जाती हूँ। यहीं रखे गई थी थोड़ी देर पहले, आखिर जा कहाँ सकता है। हाय कहाँ ढूंढूं, लगता है दिमाग काम करना छोड़ गया है मेरा। कभी तुम भी कुछ बोल लिया करो, मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ। तो ये यहाँ है, कितना ढूंढा इसे। देखो बेटा, मैं तो बस हर वक्त बोलती ही रहती हूँ। वैसे ज्यादा बोलने के बहुत फायदे होते हैं। इंसान के दिल में कोई बात नहीं रहती, सब कुछ बोल देता है। मगर औरतों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए मेरे ख्याल में, उनके लिए खामोश रहना ही बेहतर होता है, समझी। तुम्हें एक बात बताऊं, सब कहते हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ, और बातें किए बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती कसम से। मेरी बहू को देखोगी ना तो तुम भी हैरान हो जाओगी। जब वो बोलना शुरू होती है तो बोल बोल के दिमाग पका देती है मेरा। मेरी बहू, अरे निगार, हाय, किसी का ख्याल नहीं रखती, इंतहाई बदतमीज है। हर वक्त उसे अपनी पड़ी रहती है, बहुत लालची है वो, हर रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। लो टेलीफोन बजने लगा, कमाल साहब भी आते ही होंगे। बैठे देख लिया तो लेक्चर शुरू हो जाएगा उनका, बोलेंगे मेरी बेचारी बच्ची को परेशान कर रही हो। आप क्या कर रही हैं श्री आपा? सफाई कर रही हूँ, और क्या करूँगी मैं, थक गई थी बस, यहाँ के तो काम ही नहीं खत्म होते। जी हाँ भाई बोलिए। मैं अभी भी घर पर ही हूँ, मिशेल के कमरे के लिए एयर क्लीनर लिया था, बस उसे ही लगवा रहा था। आप एयरपोर्ट पर हैं? अर्जुन जा रहे हैं, खैरियत? ठीक है, आप वापस आ जाए फिर बात करते हैं। बस नैनी घर आ जाए फिर ऑफिस के लिए निकलूंगा। जी हाँ मैंने सुना था, मैं आमिर से जरूर बात करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। हाँ मिशेल बिल्कुल ठीक है। मिशेल बेटा, तुम्हारे अंकल तुम्हें प्यार दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या लाऊं तुम्हारे लिए। ओके भाई, बाद में बात करता हूं आपसे। नैनी मेरे ख्याल से आधे घंटे में तो आ ही जाएगी। कमाल साहब, मैं हूं ना यहां, आप बेफिक्र होके जाएं। अच्छा मिशेल बेटा, मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, बस कुछ ही देर में आ जाऊंगा, तुम किसी को तंग मत करना। तेरह मिनट के बाद उसे फल दे दीजिएगा। ठीक है। हाँ अगर वो कमाल साहब, मैं समझ गई, आप फिक्र ना करें, मैं देख लूंगी, टेंशन ना लें, आखिर मैं हूं ना यहाँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। अरे वाह भाई, तुमने तो सब खत्म कर लिया, बहुत भूख लगी थी ना तुम्हें। ओह देखो, जख्म तो बिल्कुल ठीक हो गया है। मुझे मालूम था हो जाएगा ठीक।
मामूजान, मैम आपकी चाय। नहीं चाहिए, मैंने तुमसे 15 मिनट पहले चाय मंगवाई थी। क्या तुम नहीं जानती, 100 मरतबा तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे वक्त पे चाय पीने की आदत है। जी, लेकर आ ही रही थी मैं, मैडम ने अचानक काम दे दिया। अच्छा तो पौधों को पानी क्यों नहीं दिया? वही लेने जा रही थी पर मैडम मैलिके ने मुझे स्टोर पे भेज दिया। इस्त्री किए बगैर शर्ट पहन ली तुमने और अब बहाना बनाओगी कि ये भी मैलिके की वजह से हुआ। नहीं की थी इस्त्री, बाथरूम धोने की वजह से खराब हो गई है शायद। अच्छा बस करो, बहुत हो गया, जाओ जाके फौरन चेंज करो शर्ट। कुछ मेहमान आने वाले, उनके सामने हरगिज़ इस हुल्ले में मत आना। क्या जैमरे में मारी है यहाँ? तो तुम होती कौन ये पूछने वाली? वो मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। निगार, तुम अपने काम से काम रखो। जैमरे मेरे और मेरे फैमिली के लिए बहुत खास है और मैं चाहती हूँ उसको पूरी इज्जत दी जाए। याद रखना, किसी किस्म की शिकायत ना सुनूं मैं तुम्हारी। चलो अब जाओ यहाँ से। शुक्रिया बेटी। सच कहूं तो तुमने कुछ ज्यादा ही खाना बना लिया है। आपके लिए टोस्ट भी बनाया है। काश कि आपने आने से पहले बता दिया होता मुझे, इससे भी बेहतर कुछ बना लेती मैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने जो भी बनाया मेरे लिए बहुत है। शुक्रिया। शुक्र है, पसंद आया। अरे यहाँ तो तुम भी हो, मुझे पता ही नहीं था। तो ये तुम्हारा दोस्त है? ये मुझे जख्मी हालत में मिला था, इसीलिए रख लिया क्योंकि इसकी तकलीफ नहीं देखी गई मुझसे। क्योंकि तुम भी रहमदिल हो अपनी माँ की तरह। जख्मी परिंदों को देखकर तुम्हारी माँ भी परेशान हो जाया करती थी बेटी। एक परिंदे का जोड़ा आप दोनों के पास भी था ना? हाँ, जब वो मिले थे हमें तो दोनों बहुत जख्मी थे। बाबा को लगा था कि मर जाएंगे वो, और वो उन्हें रखते हुए काफी घबरा रहे थे, लेकिन आपा उन्हें घर ले आए। शुक्र खुदा का कि दोनों बच गए। एक बात बताऊं तुम्हें, कहने को तो वो मेरी बहन थी लेकिन मेरी मां जैसी थी। सबकी लाडली थी वो, सबका बहुत ख्याल रखती थी। उनके आने से ऐसा लगा खुशियां आ गई घर में। अम्मी हमेशा मोहिउद्दीन राना की शुक्रगुजार रही, वो नहीं होते तो शायद उनका कोई घर नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है मेरी प्यारी आपा, उन्होंने हमारे लिए जितना कुछ किया वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। मरियम आपा ने पूरी फैमिली को बेपनाह मोहब्बत दी, कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हम सगे भाई बहन नहीं। बहुत नेक दिल थी मेरी आपा, अल्लाह की खास रहमत हो उन पर, जन्नतुल फिरदौस में जगा दे उन्हें रब। आमीन। अच्छा किया कि आज आ गए। खैर, मुझे लगा था कि शायद आप दोबारा आएंगे, आखिरी बार तो अम्मी के 40वें पर आए थे ना। दरअसल बेटी, तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूं मैं यहां। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। रुको, मेरी बात सुनो, मेरी कोट की जेब में मेरी दवाई है, बस वो ले आओ।
कम ऑन चाचा, आप भी कह दीजिए कि मैं ही गलत हूं ताकि फैमिली में कोई रह ना जाए मुझ पर चढ़ाई करने से। आमिर, तुम अपने डैड की बात समझते क्यों नहीं आखिर? मैं नहीं समझता, क्या नहीं किया मैंने उनके लिए? सब कुछ किया, सब कुछ। वो कॉलेज क्या मेरी पसंद का था और इस कंपनी में काम करना क्या मेरा फैसला था? हरगिज नहीं। इतना हार्श क्यों हो रहे हो? यानी इतना कुछ किया सब बेकार, हमेशा मैं ही गलत हो जाता हूँ। ये ना करो, वो ना करो, जरा मुझे बताएं तो सही इस घर में आखिर मैं खड़ा कहाँ हूँ? कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं हूँ मैं। कोई भी उनके सामने कुछ नहीं, वो तुम्हारे डैड है और मेरे भाई। दरअसल उनकी बातें कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आती, ये जानता हूँ कि थोड़ा सख्त है वो। ओ वाह, बहुत शुक्रिया आपका चाचा, आखिर किसी ने तो समझा कि वो एक इंतहाई सख्त इंसान है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या? हमेशा की तरह वो इस बार भी खुद को सही साबित करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप चाचा। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूं बेटे। मुझे कुछ कहना है तुमसे, अगर वो बात मान लो तो हो सकता है ठीक हो जाओ। खैरियत तो है ना आंटी? आपने मुझे इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कुछ बुरा हो गया है आमिर के साथ? नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। आमिर की जिंदगी की सबसे बड़ी खबर होगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हिकमत अंकल को तो जानती हो ना तुम, जिस चीज की ठान ले वो पूरी करके ही रहते हैं। जानती हूँ, हिकमत अंकल वो भी किसी की बात मानते हो? जाहिर है, हिकमत ने एक बहुत जरूरी फैसला कर लिया है, यकीनन बहुत ही जरूरी फैसला। मेरे अल्फाज तुम्हें फजूल तो लग रहे होंगे, लेकिन जब तुम बाप बनोगे तो मालूम होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे शादी करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मेरे बेटे आमिर से शादी हो जाए। मैं ये चाहती हूं कि तुम आमिर से शादी करके हमारे घर की बहू बन जाओ। क्या सोच रही हो? कुछ तो कहो। मुझ पर भरोसा रखो और हां कह दो। जानती हो, आमिर और तुम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये या फिर कोई भी और फैसला जो आप मेरे लिए लें, मुझे कोई एतराज नहीं होता, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूं। मेरी अम्मी की कब्र यहां पर है, किसी भी वजह से मैं उनसे या इस शहर से कभी दूर नहीं होना चाहती। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, मैं यहां तुम्हें अकेला नहीं रहने दे सकता। मेरी इतनी फिक्र है ये जानकर अच्छा लगा मुझे, मगर अपना ख्याल खुद रख सकती हूं मैं। मेरा मतलब ये बात तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है मेरे लिए, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं। और आपने, मेरा मतलब है कि कैसे अंदाजा लगाया तुमने? मैं काफी अरसे से तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारा उसको देखना, उसे देख के मुस्कुराना, तुम्हारा उससे बात करना। क्या मेरे अंदाज से ये सब वाजे था? मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है जेमरे, उसे इसका अंदाजा नहीं। ठीक है,
ये तो अच्छी बात है। वैसे आमिर मुझे एक अच्छा दोस्त ही समझता है। कोई बात नहीं, जब रिश्ता हो जाएगा तो लाइफ पार्टनर की तरह से देखने लगेगा। लेकिन तुम्हें भी थोड़ी एफर्ट करनी होगी उसका दिल जीतने के लिए। फिर तो आंटी मेरी पूरी कोशिश होगी कि जैसा मैं आमिर के लिए फील करती हूँ वो भी मेरे लिए वैसा ही फील करे। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। तुम अपने आंटी पे भरोसा कर सकती हो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम ही इस घर में बहू बनकर आओ। हिकमत यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द शादी हो जाए आमिर की। तुम जैसी नेक सीरत बहू मिल जाए बस। मुझे इससे ज्यादा क्या खुशी होगी कि तुम मेरी बहू बनोगी। मामूजान, उम्मीद है मेरी किसी भी बात से आपको दुख नहीं पहुंचा होगा। और वैसे भी ना तो मैं उससे जानती हूँ, ना ही वो मुझे जानता है। और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करेगा, क्योंकि वो शहर में पला बड़ा है, अच्छी तालीम हासिल की है उसने। बेटा, हो सके तो सिर्फ एक बार मेरी बात मानकर मिल लो उससे। उसके बाद जो फैसला चाहो वो कर लेना। मेरी इतनी बात तो मान सकती हो ना? बहुत कम वक्त है मेरे पास, मेरी बच्ची। वक्त बहुत कम है? क्या मतलब है आपकी इस बात का? आपा से मिलूंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? मैं समझी नहीं, बताइए। मेरी बच्ची, मुझे ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। हिकमत सुनेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। ऐसा है कि अब तुम्हारी अम्मी से आके मिलना होगा मुझे, लेकिन मेरे आने से पहले उन्हें कुछ नहीं बताना तुम। सुहेला का कल रात को कहीं जाने का प्रोग्राम तो नहीं है? मुझे जरूर बता देना ताकि हम डिनर एक साथ कर सकें। मेरे ख्याल से उनके क्लब मेंबर्स के साथ मीटिंग है और वो आज शाम ही है। हाँ, कल वो फ्री है। हाँ, तो आज तुम्हारी अम्मी की क्लब मेंबर से मीटिंग है तुम्हारे घर पे? हमारे घर पे। मैंने तो यही सोचा कि आज तुम्हारी अम्मी से मिलकर तुम्हारे और आमिर के बारे में बात कर लूं, क्योंकि वो आज मसरूफ है, कैंसिल कर देते हैं, यही बेहतर है। वो कोई मसला नहीं है आंटी, अगर आप चाहती हैं आज शाम ही आ जाएं। मगर क्या ये मुनासिब होगा? सिर्फ क्लब मेंबर्स की मीटिंग है ये, तो मैं तो आउटसाइडर हूँ ना। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बगैर इन्वाइट किए आना। नहीं आ रही। मेरी मॉम क्लब की चेयरवुमन है और मैं चेयरवुमन की बेटी, और मैं पर्सनली इनवाइट कर रही हूँ। अगर तुम कहती हो तो आ जाती हूँ, क्योंकि तुम मेरी जान हो इसलिए। मुझे माफ कर दो बेटा, अपनी बीमारी के बारे में बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था मैं। दरअसल ये बात तुम्हें इसलिए बताई कि तुमसे कोई बात पोशीदा ना रहे, तुम दोनों शादी कर लो, यही मेरी ख्वाहिश है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं? दूसरे मुल्क जाकर तो कोशिश कर सकते हैं। मेरी जान, पैसे जिंदगी नहीं बढ़ा सकते। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई अमीर आदमी कभी भी ना मरता। मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को मेरी सारी जायदाद मिल जाएगी, और जो उन्हें नहीं मिल सकती वो है मोहब्बत। तुम यकीन करो मेरी बात का, सच कह रहा हूं। अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लोगी तो उसकी जिंदगी में मोहब्बत और सुकून आ जाएगा। बेटा देखो, मुझे मायूस मत करना। मुझे यकीन है आमिर से शादी करके तुम हमेशा खुश रहोगे। जी
सुहेला डियर, फ्राइडे वाले ऑक्शन में तुम आ तो रही हो ना? जरूर आती, अगर हॉस्पिटल की बोर्ड मीटिंग उसी सेम टाइम पे ना होती तो। तुम तो बोर्ड की चेयरवुमन हो, तो मीटिंग कैंसिल क्यों नहीं कर देती? ये पॉसिबल नहीं, मुझे जाना ही होगा। फिर शाम वाली पार्टी में तो आओगी ना तुम? क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अभी जो नया ब्रांड लॉन्च किया है उसी के ड्रेसेस पहन के आएगी। ओह वाकई, मैं काफी बिजी रही हूँ पिछले दिनों, जेमरे ऑर्गेनाइजर थी। रिवादा भी इसी ब्रांड के कपड़े पहनेगी ना, तो इसीलिए सरप्राइज हो रही है। जरा देखना दरवाजे पे कौन आया है। जी देख रही हूँ। भाई बता देना कि कौन कौन सी ड्रेस पहन रहे हैं, यूनिफॉर्म ना लगी। हाँ मैं बता दूंगी, डोंट वरी। जावेदा आप कैसे हैं आप सब? मैंने इन्हें यहाँ इनवाइट किया है मॉम। ओह अच्छा, यू आर वेलकम जावेदा साहिबा। बहुत शुक्रिया। हेलो लेडीज। दरअसल मैं और जेमरे आज बहुत एक्साइटेड थे, तो शायद बताना भूल गए कि मुझे भी इनवाइट किया है। अरे आप कोई अजनबी थोड़ी है, यहाँ बैठिए और एंजॉय कीजिए। हाँ बिल्कुल मेरी जान। एंजॉय कीजिए, मैं अभी आई।